जब मैंने मना किया था तो क्यों गई वहां पे? मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें देखने के लिए गई थी। मेरे मना करने के बावजूद उसने, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया? कौन सा मकसद? सुफियान से मिलने का मकसद। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? तुम उस शख्स से कॉल करवा के मुझे जलील करवा रही हो और मुझे ये कह रही हो कि मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूँ। गलत समझ रहे हैं, सब बिल्कुल नहीं है। मम्मा की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और सुफियान ने मुझे कॉल की थी। अच्छा, सुफियान ने तुम्हें कॉल की और तुम्हारे बारे में परमिशन लेने के लिए भी उसने मुझे कॉल की। वैसे तुम कहाँ पे थी जब उसने मुझे कॉल की? मैं वहीं थी और मैंने उन्हें मना किया था कि आपको कॉल। कमाल का इंसान नहीं है वैसे वो? उसने, वो कमाल का इंसान नहीं है कि उसको आज भी तुम्हारी इतनी फिक्र है? मुझसे ज्यादा तो वो ख्याल रखते ना तुम्हारा। शहरोज प्लीज। व्हाट प्लीज? उसने मुझे बताओ कि तुम दोनों के दरमियान चल क्या रहा है? ऐसा क्या है कि उसकी आस आज भी खत्म नहीं हुई? शहरोज, इनफ इज इनफ। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि मैं आपकी बीवी हूं। मैं मेन कंसर्न कि तुम मेरी बीवी हो। अच्छा, तुम ये भूल रही हो कि तुम मेरी बीवी हो और मेरी इज्जत हो तुम? मैं नहीं भूली, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मैंने सुफियान को रिजेक्ट करके आपसे शादी की थी और आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तुमने उसको रिजेक्ट नहीं किया था, आंटी ने तुम्हें फोर्स किया था कि तुम मुझसे शादी कर लो और अब तुम्हें अच्छा मौका मिल गया मुझे बेइज्जत करने का। हाँ, ये सच है कि मैंने ये शादी मामा के कहने पर की थी, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभा रही हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ। अच्छा, तुम दिल से निभा रही हो? इस तरह से निभा रही हो कि गैर मर्द मुझे तुम्हारे बारे में परमिशन लेने के लिए कॉल कर रहा है और मैं जो तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारे लिए उसकी इज्जत मैटर ही नहीं करती? ये इज्जत करती हो तुम मेरी? शरोज, मेरी तरफ से इतना बदगुमान ना हो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मामा की तबीयत खराब थी, मैं उन्हें देखने के लिए गई और यकीन माने मुझे देखकर उनका चेहरा खुशी। आई डोंट नीड एनी जस्टिफिकेशन, इनफ इज इनफ। शरोज प्लीज। उष्णा प्लीज छोड़। जीने की जुस्तजू, मरने की आ